42 है, 40 है, एडवांता का है या दालिया है, किसी का भी है, आप नोट कर लो ये चीज। इसका जो मेन सूट है उसके अंदर 65 से और 85-90 तक फलियां होती है, और जो अदर जो वैरायटी होती है उनकी 55 से और 70-72 तक फलियां होती है। ये चीज नोट करने की है, आज नोट कर लो। जिस दिन तैयार हो सरसों किसी भी ब्रांड की, उस दिन आप मिलान कर लो। एक इसके अंदर जो फलियों में दाने की संख्या है वो 19 से 21 है, और अदर के अंदर होती है 17 से 19। ये दो चीजें इसकी जो पैदावार है पठाने में, ये दो चीजें भागीदारी लेती है थोड़ी, इनके कारण इसकी पैदावार ज्यादा आती है। एक पाले के प्रति सेंसिल है क्योंकि इसका जो कवर होता है छिलका होता है मोटा है इसलिए, और अब की बार पाले की संभावना हमें ज्यादा लग रही है क्योंकि मौसम जो पड़ रहा है जो व्यापार है ना, ये जिंदा दिले का व्यापार है और एक दिन का व्यापार नहीं है। आज मैं बता दिया, आज आप पेन डायरी में नोट कर लो, अगर आपके में 19 से 21 नहीं हो तो अगली बार भी हमें यही आना है, ठीक है ना। आज का पहली आपकी बार बेच दिया फिर तो आगे कंपनी बंद ही हो जाएगी, काम तो करना है। अगर जो बातों में अगर पिछा, हाँ आप जो कह रहे हो कि बहुत सारी वैरायटियों में होता है, लगभग तो 13 और 14 हमारी 16 ज्यादा बस। तो ये चीजें है, ये जो है ये वैरायटी है, ये बिल्कुल ब्रांडी की वैरायटी है। आप इसको बोक के भूल जाओ, इसमें पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नड़ा वगैरह कर दो और थोड़े ठीक से केयर करें ना, तो ये जो छोटी कंपनी जो हाइब्रिड है उसके बराबर चलती है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, 320 रुपए का पैकेट है, और ये ब्रांडी के अंदर ज्यादा चलती है। भाई बो दिया सरसों और फिर काट लाए, ना पानी की जरूरत ना एक बार खाद डालनी, के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है, सब की वैरायटी बहुत बढ़िया की मिले उरेज की मिला। तो अब आपका कोई सुझाव हो कंपनी के लिए हमारे लिए कि भाई ऐसा करा जाए तो बेस्ट रहे, आप तो भाई साहब बता रहे थे सुमेर जी।